So dear students, are you ready? Let's start our today's class work. Very good. Show me your thumbs up. All are ready. Very good. So write down question number 1. Whose activities do people burn on the Shivira? Do people burn on the Shivira? Whose effigies do people burn on the Shivira? Arab. Arab, unmute करिए. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Arab, what is the meaning of the question? First of all, tell me. What is the meaning of the question? Arab, where are you? Ma'am, उसे Arab कैसे पूछा है ना? Arab Gupta, हाँ जी Arab Gupta. Ma'am. Whose effigies? Effigies के क्या मीनिंग होता है? People burn on the Shivira. क्या मीनिंग है? समझ आया कुछ? Effigies क्या? Effigies मतलब बड़े बड़े पुतले. ठीक है? तो दुशहरा पे किनके पुतले जलाए जाते हैं? हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं. किसके पुतले जलाए जाते हैं? किसके एफिजीज बर्न किए जाते हैं? स्पीक अगेन, योर वॉइस इज जलाए जाते हैं. हाँ, वेरी गुड. आप पिक्चर आपको दिख रहा है पुतले? हाँ ठीक, इनको जलाया जाता. Okay, your voice is not clear. अभी ध्यान से सुनो जो मैं बताएंगे. म्यूट कर लो. Keep yourself on mute. Yes, write down everyone. किसके पुतले? Very good. Those who are writing in the chat box. Very good. Number 1, Ravana. Number 2, Kumbhakarna. And number 3, Meghnatha. ठीक है. कुंभकर्ण कौन थे? रावण के ब्रदर. और मेघनाथ कौन थे? रावण के सन बेटा था उनका. इशिका, हैंड्स डाउन. अब लिखिए. इशिका, हैंड्स डाउन कर लीजिए एंड राइट इन योर नोटबुक. ओके. सो ऑन द शहरा, ऑन द शहरा पीपल बर्न effigies of number 1, yes, Ravana, Ravana, Ravana. Number 2, his brother and number 3, his son Meghnatha. Write down. On the Shivira, people burn effigies of Ravana, his brother Kumbhakarna, and his son Meghnatha. Write down. Priyamvada, you are not writing. Priyamvada, write down, bete.
down. No need to unmute. Very good. Those who are writing with me, that's very, very nice. That's very nice. Just Noor. सबको अच्छे से board नजर आ रहा है ना? Those who are on laptop, please pin the screen. पिन कर लो आप स्क्रीन को, फिर आपको अच्छे से नजर आएगा. वेरी गुड नवल वर्मा, आपने लिख लिया क्या? हैव यू रिटन? मैम के साथ साथ लिखिए, आपको भी अच्छा लगेगा क्लास में अपना वर्क कंप्लीट करना. वेरी गुड गुरवीर, हरदीप, गुरसीरत, हरलीन, वेरी गुड. Very good Palak, Mokshdeep. ये गनिका बांसल आई डी. मुझे आपका फेस नजर नहीं आ रहा, मुझे ओनली वॉल नजर आ रही है. आप कर रहे हो या नहीं कर रहे मुझे नहीं पता चल रहा. हरसिमरन गुड. परमवीर आर यू राइटिंग बेटे? परमवीर लिखिए साथ साथ, मैम के साथ साथ लिखिए. सुखमन, तनिषा, पाविका, दिव्यम, वेरी गुड. समर हैव यू रिटर्न? वेरी गुड मनन्या, जसकर्मन, अभिजोत, वेरी नाइस बच्चे. कशिश सिट प्रॉपरली इन द क्लास. कशिश सिट प्रॉपरली. वेयर इज योर नोटबुक? वेयर इज योर नोटबुक कशिश? आई डोंट वॉन्ट यू टू अनम्यूट. शो मी योर नोटबुक. शो मी योर नोटबुक. Show me your notebook in the camera, बच्चे. And sit nicely in the class. Do the work properly. Very good, Seerat. Sugam, sit properly and do the work. Sugam, sit properly and do the work. Very good, Tanisha, Bimandeep. ये जिन बच्चों की वीडियो ऑफ है उनकी एबसेंट मार्क कर देनी है मैम ने आज. Very good Kian, Danish good, Hanish Pal, your video must be on, तभी मैम को पता चलेगा आप work कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Switch on your camera. So many students have not switched on their videos. Laksh, Sonia, Ori ID, Manish, Manisha, Dharya, Jasneet Kaur. वेरी बैड जिन बच्चों की वीडियोज ऑफ है. हाउ विल आई नो बेटर दैट यू आर डूइंग वर्क और नॉट? मैम के साथ साथ आपको वर्क करना है ना. गुड, दोज हु आर डूइंग वेरी नाइस. चलिए आई होप यू ऑल हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज question number 2. Why is Diwali called festival of lights? Why is Diwali called फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? एंड प्रियम वदा अनम्यूट करिए. प्रियम वदा अनम्यूट करिए. मैम व्हाई आर यू प्लेइंग बेटे? चलिए टेल मी व्हाई इज दिवाली कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? प्रियम वदा दिवाली दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल क्यों कहते हैं बच्चे? डू यू नो? वी हैड रेड इन द चैप्टर, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि दिवाली पे क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? नो यू डोंट नो? दिया
okay. Then Param Bans, unmute करिए Param Bans. Yes, ma'am. Yes, बेटे. Will you tell me? Param, will you tell me why is Diwali called Festival of Lights? Diwali को lights का festival क्यों कहते हैं? जो आपके mind में आ रहा है बोलो बेटे. जो भी आपके माइंड में आ रहा है अगर आप वो मैम के साथ शेयर करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा. नो, यू डोंट वांट टू स्पीक. ओके, हु वांट टू स्पीक, रेज योर हैंड. गुरवीर. ओके गुरवीर, अनम्यूट करिए. गुरवीर, अनम्यूट करिए बेटे. गुरवीर, अनम्यूट करो. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. टेल मी व्हाई इज दिवाली कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. क्या आ रहा है आपके माइंड? दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिकॉज That day, Ram Lila saved. No, बेटे, दिवाली को lights का festival क्यों कहते हैं? हिंदी में बताओ, चलो हिंदी में ही बता दो. क्या आप सोचते हो कि उसको lights का festival क्यों? मैं दिवाली को lights का festival इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन जब राम और हनुमान सीता को बचा कर लाए थे तब क्रैकर्स के साथ उनका स्वागत किया था, इसलिए बहुत सारे दियास जला के उनका वेलकम किया था. वेरी गुड गुरवीर, क्लैप फॉर यू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस एफर्ट्स, आपने याद रखा. थैंक यू मैम. म्यूट कर लीजिए एंड एवरीवन राइट डाउन द आंसर. दिवाली और विजिबल देना बेटे. दिवाली इज फॉर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिकॉज क्यों कहा जाता है इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? बिकॉज ओके मैम, इस दूसरी साइड पे लिखते हैं. नंबर वन, ऑन दिस डे, ऑन दिस डे Lord Rama returned to Ayodhya. Lord Rama returned means वापिस आए थे. Returned to घर था अयोध्या में. वापिस आए थे कहाँ से? वापिस आए थे आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल. आफ्टर 14 years. 14 years वो फॉरेस्ट में रह के इस दिन अयोध्या वापिस आए थे. 14 years of exile. Exile means वनवास, फॉरेस्ट में रहने के बाद. ठीक है, E X I L E, exile.
14 इयर्स फॉरेस्ट में रहने के बाद वो अयोध्या वापस आए थे। तो क्या किया था लोगों ने? ठीक है, इस दिन लोग उनकी याद में कैंडल्स, दियास एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स जलाते हैं। इसलिए इस डे को क्या बोला जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो इट इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। राइट डाउन, हरी अप, मैम के साथ साथ लिखिए। Very good, Mananya, if you have done. Arab Gupta, write down. Likhiye bete. Ho gaya aapka? Have you done? Yes. Now moving on to the next question. Write down question number 3. Question number 3. किया है तनिषा, डू यू वॉन्ट टू टेल द आंसर? अनम्यूट करो, बोलो तनिषा, अनम्यूट करिए। यस मैम। कैन यू टेल मी व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड? यस मैम, बताइए। ईद इज सेलिब्रेट यस ईद इज सेलिब्रेटेड होली मंथ ऑफ रमजान। हाँ, आफ्टर होली मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, तो हम इसको 2 पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर 1, ईद। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे। मैम वो ना आपने क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो दिवाली इज कॉल्ड फेस्टिवल। ओके, क्या लिखा है? ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आई विल सेंड पीडीएफ आल्सो, उसमें से भी आप चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर लिखिए मैम। यस मैम। चलिए, ईद इज इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. राइट डाउन, ईद इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. हाँ जी अक्षिता, आपने लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, मैम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हैं, आप समझ लीजिए और जब मैम पीडीएफ भेजेंगे तो वहां से आप कंप्लीट कर लेना. अभी जहां से मैम आप कर सकते हो वहां से स्टार्ट कर लो. एंड आई हैव पेस्टेड लिंक ऑफ गूगल फॉर्म इन द चैट बॉक्स, उसको सभी स्टूडेंट्स ने फिल करना है. ओके हाँ जी, ईद इज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. और ईद कब सेलिब्रेट किया जाता है? ईद कब आता है? ईद कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान. Holy month of Ramzan. Write down. Eid comes after holy months of Ramzan. Holy month of Ramzan. Write in the chat box if you have done. Eid is important festival of Muslims. ये Muslims का एक important festival है. Eid comes after holy month of Ramzan. Holy means पवित्र. इसे हम बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? Why do we celebrate Gandhi Jayanti? First point, we celebrate Gandhi Jayanti कब सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती, ये मुझे बताना है बिमनदीप ने. यस बिमनदीप, गुड आफ्टरनून मैम. हां जी, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती. वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती. जोर से बोलो बेटे, थोड़ा लाउडली बोलो. वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर. वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए अब अपने आप को. आप हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर. वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन
लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट, हम क्यों करते हैं? इसका आंसर मुझे बताएगा कृषभ। कृषभ क्या होता है बेटे गांधी जयंती पे? कृषभ कहाँ चला गया? अरे गॉन, मैम ने आपका नेम लिया तो आप गायब हो गए। कृषभ अनम्यूट करो बच्चे। No? Okay, I will give chance to anyone else. If you don't want to speak, Krishav आपने hand raise तो किया हुआ है, बताइए। Unmute करो ना, mic पे click करो Krishav। हाँ, बताओ क्या होता है 2nd October को? Acting October। 2nd October को होता क्या है? गांधी जी का birthday। हाँ, तो इसीलिए हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन होता है गांधी जी का बर्थडे। तो आपको पता है गांधी जी कौन थे? यस, वो फ्रीडम फाइटर थे, फादर ऑफ नेशन थे, फादर ऑफ नेशन, जिन्होंने हमें ब्रिटिश रूल से आजादी दिलाई थी। ओके, खुद बोल रहे हो या कोई हेल्प कर रहा है पीछे से? नो मैम। Very good. Clap for you. चलिए, तो second point is it is the birthday of Mahatma Gandhi. Write down second point. It is the birthday of फाइन। समझ आ गया बेटे सबको? सो टुडे वी हैव डन 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं जो आपकी बुक में है। आप सबको आई होप समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा हम नेक्स्ट मीटिंग में आपका वो सॉल्व कर देंगे। And I will send you PDF also in the group, जहाँ से आपका अगर work complete नहीं हुआ होगा class में तो आप PDF से देख के complete भी कर सकते हो। अगर आप check भी कर सकते हो कि कोई spelling mistake तो नहीं रह गई आपकी। मैम को जब भी आपने work send करना है ना बेटे, उसको अच्छे से देखना है कि आपने अच्छा किया है work, writing अच्छी है आपकी, उसमें कोई mistake तो नहीं है, उसको एक बार revise कर लेना होता है। ठीक है, अगर आप एवरी डे वर्क को अपना रिवाइज करने की हैबिट डालोगे ना, फिर एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। एग्जाम में आपको मैम बोलते हैं ना, चेक इट अगेन, रिवाइज इट अगेन, कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ आपसे गलत तो नहीं हो गया। तो उस टाइम आपको तभी याद रहेगा रिवाइज करना, अगर आप डेली वाले वर्क को चेक करना सीखेंगे। फाइन, थम्स अप करके बताओ किस किस को मैम की बात समझ आई है। ओके गुड, चलिए अभी ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट है अभी मैम आपसे पूछ रहे हैं, अभी पूछ लीजिए। ठीक है, ओके बेटे, गुड, कंप्लीट योर वर्क।